anyway, यहाँ पे इस ड्रीम के बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में और इस पूरी जर्नी के बारे में बात करने के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर डुओ राधिका राव एंड मिस्टर विनय सप्रू, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म। राधिका जी और मैंने जब ये फिल्म बनाने का सोचा तो इट वॉज ऑलवेज एन अर्नेस्ट एंड एन ऑनेस्ट अप्रोच टू मेक दिस फिल्म एंड द काइंड ऑफ फिल्म इट इज़, इट नीड्स ऑल योर सपोर्ट, सो थैंक्स अगेन फॉर कमिंग हियर। बिकॉज ये पिक्चर एक लव स्टोरी है जो कि आप और हम लोगों के सबके आस पास की कहानी है। इट इज़ सेट इन बॉम्बे, जो मैक्सिमम सिटी जहाँ हम लोग रहते हैं, और हम लोगों के आसपास ही ये लव स्टोरी होती है। तो एक 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 आइडेंटिफिकेशन सा है और एक सबका सपोर्ट और प्यार मिलेगा, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू टेक दिस लव स्टोरी वेर इट डिजर्व्स टू गो देयर। राइट, राधिका प्लीज़ मेरे को ये बताइए, दोनों ने साथ में डायरेक्ट किया है, साथ में लिखा है, मुझे ये भी पता लगा है ऐसा बैक एंड में बहुत मच भी होती थी, किसी ने कह दिया एक्शन, कोई कह रहा नहीं कट, कहता नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए मैंने सुना है। ये आपकी पिक्चर, आप खुद बना रहे हैं इधर से। अगली वाली में मेरे को लेंगे लिखने के लिए। जी प्लीज, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ओह, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वी हैव बीन पार्टनर्स फॉर 15 टू 20 इयर्स नाउ, सो यस, वी हैव आवर डिसएग्रीमेंट्स, बट वी हैव लर्न टू सॉर्ट इट आउट इन अ वेरी एमिकेबल मैनर। बट कमिंग बैक टू सनम तेरी कसम, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट it's such a special film, and every film we are asked is, where does a film begin, the journey begin, and filmmakers have various stories to tell about it. Sometimes it's a volcanic explosion moment, and sometimes it's a small spark of an epiphany moment. For both of us, it was a small spark of an epiphany moment, because we've both been living in Bombay for the past 20 years, and main middle class सोसाइटी में रहती हूँ, ओशीवारा में, सात माले पे। और एक दिन सुबह उठे तो ग्रिलिंग ड्रिलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं बाहर आई और मेरे सोसाइटी की पूरी कमेटी वहाँ खड़े होके टेरेस की एंट्रेंस पे बड़े बड़े आयन के ग्रिल्स बना के उसको लॉक कर रहे थे। तो मैंने कहा, सर आप टेरेस की एंट्रेंस को लॉक क्यों करें? तो सिंह राधिका जी, आप समझते नहीं हैं, शाम के बाद सारे यंग लड़के लड़कियां टेरेस पे जाके पूछो नहीं क्या करते हैं, तो हमने टेरेस को सील कर दिया है कि कोई बच्चे ऊपर ना जा सके। तो आई जस्ट स्माइल्ड अबाउट इट, एंड वी वर बोथ ट्रैवलिंग टू लंदन, एंड ऑन फ्लाइट आई टोल्ड विनय, आई सेड सी विनय, इवन इन अ मैक्सिमम सिटी वेयर वी डोंट इवन नो हु आवर नेबर इज फॉर इयर्स ऑन एंड, हमें पता नहीं होता है कि हमारे नेबर का नाम क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर लवर कहीं भी दिख जाए, माने वहाँ खड़े हो जाएंगे, वहाँ मॉरल ब्रिगेड हो जाएगी, वहाँ ऑब्जेक्शन शुरू हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी कहानी है। तो वी वर बोथ टॉकिंग, एंड वी वर ऑल्सो एट द जेन ऑस्टन म्यूजियम इन हैम्पशायर, वी आर बिग फैंस ऑफ जेन ऑस्टन, एंड व्हेन आई सेड इट्स सच अ ग्रेट आइडिया, एंड इफ वी कैन मेक अ नैरेटिव लाइक अ जेन ऑस्टन नैरेटिव, यू नो, विच स्टार्ट्स विद स्मॉल फैमिली प्रॉब्लम्स विद कल्चरल एंड सोसाइटल इश्यूज, एंड देन मेक इट इनटू अ सागा लाइक शी मेड इट लाइक अ लव स्टोरी। वेल, दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड, एंड दिस इज वेयर इट्स एंडेड। सनम तेरी कसम, it is our ode to Jane Austen, who we are great admirers of, and to all of us who live in Bombay city, to tell the world ki hame wadiyon mein jaake achhi achhi romantic kahaniyan banane ki zarurat nahi padti hai, hamare peeling buildings aur toote lifton mein bhi badi pyari pyari romantic kahaniyan, and that is sanam teri kasam. Teri kasam, isse ek cheez mere ko samajh mein aayi, wo lovers wali aapne jo baat ki, kahin bhi mil jate hain, you know, kuch hi ko karte hue, isme bade sare aise moments hain, I'm sure, jiske baad theaters ke andar bhi, you know, kono kono ki seat log lenge aur wahan pe bhi bade sare kuch hi ko moments honge, hai na, bilkul aise hi hoga. But I'll tell you know what, like Radhika ji said, that it's a special film and it has taken out of one of our moments of our life, and Radhika ji aur meri filmon mein, chahe wo lucky ho chahe hamare jo gaane hum karte hain, उसमें इज ऑलवेज अ फेरी टेल क्वालिटी एंड अ फेरी टेल वर्ल्ड अटैच टू इट, यू नो। तो उस वक्त हम एक काम कर रहे थे एक पिक्चर पे, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग्स, एंड जब इस ये कॉन्सेप्ट जो राधिका मैम ने बताया वो आया, तो हमने कहा कि अब ये पिक्चर शुरुआत करते हैं। तो हम वापस जब इंडिया आए तो हमने हमारे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कलीम खान जी हैं उनको बोला कि कलीम सर ये एक कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने बोला लीव इट टू मी। समीरा भाभी भी इसको वाउच करेंगी कि लीव इट टू मी इज़ कलीम भाई।
तो कलीम भाई एक सेकेंड, आई कैन नॉट स्टार्ट दिस इवनिंग विदाउट हैविंग यू अ बिग थैंक्स टू यू फॉर मेकिंग दिस बिग थैंक्स टू यू कलीम भाई, प्लीज कम कलीम भाई। कलीम भाई वो है जो ही मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, राधिका जी उनको हमारा सेंटा बोलती है बिकॉज ही मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस एंड जोरदार तालियां हो जाए कलीम भाई के लिए। इट्स अ म्यूजिकल व्हिच कलीम भाई एंड ऑल ऑफ अस स्टार्टेड एंड देन कलीम भाई सेड आप लोग म्यूजिकल कर रहे हैं एंड म्यूजिकल का देयर इज ओनली वन पर्सन ही सेड इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हुज शेयर्स द सेम पैशन व्हिच राधिका जी एंड आई हैव एंड दैट्स दीपक मुखर्जी व्हिच इज आवर प्रोड्यूसर। दीपक सर वी हैव टू स्टार्ट द इवनिंग विद यू सर एंड अ बिग थैंक यू टू यू बिकॉज ये जर्नी शुरू ही नहीं होती अगर कलीम सर नहीं शुरुआत करते और दीपक सर नहीं होते वहाँ पर। बिल्कुल। एंड दीपक जी ये इवनिंग में दो वर्ड आप बोलिए फिर वी कैन ऑलवेज स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आई डेफिनेटली वांटेड टू मेक मूवी विद डेफिनेटली अ लव स्टोरी एंड व्हेन कलीम भाई केम टू मी एंड सेड अबाउट दिस आई क्विकली you know grab this and definitely Vinay ji, Radhika ji and then we decided about the music director Himesh ji, so yeah that's what it happened. Thank you. Please please I have to acknowledge this my film which is our film with Amita and Prerna ji, thank you very much. Erosi. And Deepak Wali sir, so before we start the evening a big thank you to Hamari film and Prerna ji and Deepak Wali. वो इनोसेंस जो है वो ट्रेलर में भी दिख रही है और यहाँ पे बातचीत करने के बाद भी दिख रही है। जिन सबको लेके ये बनाया गया है उन दोनों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ी क्यूट सी लड़की और एक ब्रूडिंग ऐसा आदमी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उस एक एक्टर का जिसके लिए इतना ही कहूँगा इनकी बॉडी इसमें देखने के बाद लोगों ने टैटू बनवाए और उनकी मम्मियों ने उनको धोया थ्रैश किया बुरी तरह और गर्लफ्रेंड्स ने बड़े सारे लड़कों को डंप किया बिकॉज वो बनवा के आए थे एनाकोंडा और वो ऐसा केचुआ दिख रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन हर्षवर्धन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे मुझे लगा शर्ट निकलेगी। अच्छा विल डू दैट। अभी जनता की डिमांड पे अ लॉट ऑफ फीमेल्स हो भैया। हर्ष के साथ साथ यहां पे अब उन्हें बुला लेते हैं हु इज इनसेनली ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। हर्ष यू वांट टू डू द ऑनर्स? नहीं ना, नहीं आप बुला लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडिंग लेडी ऑफ सनम तेरी कसम, जोरदार तालियां हो जाए। मैं तो करने वाला, तुम लोग करो मत करो यार। अभी यहाँ पे आप दोनों का वापस से स्वागत है। बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं दोनों एक साथ और ये जो भावी डायरेक्टर्स हैं इनके साथ काम करना कितना दुख दिया आपको, प्लीज बताइए हम सबको, सबके सामने उगल दो सब। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू कलीम भाई, सब सब बता दो। मैं 2006 में बॉम्बे आया था। आप में से कई लोग शायद बॉम्बे के हैं, कई लोग बाहर से आए होंगे और मैंने तब नोटिस किया कि दो तरह के लोग होते हैं और एक वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और एक दूसरे होते हैं जो बाकी की पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। तो मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप किसी के बच्चे नहीं हैं और आप क्या सोच के ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपका बॉलीवुड में लॉन्च होगा। तो आई एम सॉरी आई फील लाइक दिस राइट नाउ बट तो मैंने कभी उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने सिर्फ जो पॉजिटिव लोग थे उन लोगों की बातों पर ध्यान दिया और जो उनकी बात थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री में एज इन बॉलीवुड आपको लॉन्च होने के लिए आपको किसी का बच्चा होना पड़ेगा, ये बात कहीं ना कहीं सच है और मैं सच मेरे लिए इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर मैं मानता हूँ कि मैम राधिका मैम और विनय सर ने मुझे अपना बच्चा माना है और तभी उन्होंने मुझे इतना एक ड्रीम वाला लॉन्च किया। थैंक यू सो मच मावरा, दिस वन्स फॉर यू। इससे पहले आपने वीजेइंग की दुनिया में बड़ा कमाल धमाल किया है एक्टिंग के साथ साथ, तो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस द क्रू ऑफ योर मूवी, है ना? सनम तेरी कसम के क्रू को अपने अंदाज में आप इंट्रोड्यूस कर दो हम सबके लिए। विजय मावरा हमारे साथ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर। आई एम नोबडी टू comment on her skills and comment on what she does as a director, because
मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ शायद 1% भी नॉलेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू राधिका मैम, बट दिस वन थिंग आई कैन वाउच फॉर इज़ दैट शी इज़ टॉप टू बॉटम शी इज़ मेड ऑफ लव एंड दैट्स समथिंग दैट्स बिकॉज ऑफ वट वी हैव कम दिस फार. क्योंकि कुछ भी होता था सेट पे हर चीज़ हैंडल हो जाती थी क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार करती हैं ये सबसे और पूरी टीम को प्यार की वजह से जोड़ा हुआ था. सो आई थिंक राधिका राव इज फॉर मी हु इज जस्ट मेड ऑफ शियर लव. तो लगा कुछ कंट्रोवर्शियल निकलेगा कुछ होगा. जी हाँ, फिर से देखिए यही है यही है. इतनी इतनी इंटेंस और प्यार से भरपूर लव स्टोरी अगर हमने बनाई है तो आई एम श्योर कि सबको पता होगा कि हमारा बॉन्ड आपस में कितना स्ट्रांग होगा. तो बहुत मुश्किल है कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल निकाल पाए. जी योर डायरेक्टर साहब, यू पुट मी इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन. आई थिंक एक तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू अग्री विद हर्ष दैट दे हैव लिटरली अडॉप्टेड अस. दे हैव टेकन केयर ऑफ अस लाइक वी आर देयर ओन किड्स. I have not experienced this kind of love ever before this, and to be coming from another land and being protected and being loved and such selfless love coming from Vinay sir, because he's been taking care of everything. He can be there for me emotionally as well as he can solve problems for me practically. So Vinay sir is, I think, I don't have words. I think he's my solution to everything. And both these two directors are my, you can count on me like 1, 2, 3 people. And आपके बगल में हर्ष. हर्ष makes me very happy. I think I could not have gotten a better co-actor to work with. No matter how much I praise him, it'll be less because he's really taken care of me. He's been there for me through and through, despite the fact that he was also on his Bollywood debut. He would put me before him and he would help me through everything. So yeah, that's how I would like to put these three wonderful people in. Itni sundar ho aap, itni achhi karti ho, matlab chalte hi rahe yahan pe. Ab ek kaam karenge, musical extravaganza aise bol rahe hain, to main aap dono se request karunga, aap dono jaake birajiye. Ab ye directors ko yahan grill karne wale hain hum aur inse asliyat nikalenge, hai na. Sabse pehle music ki baat karte hain please. Thank you Harsh, thank you Mavra. Music, zordar taaliyan please. Yeah, म्यूजिक की अगर बात करें, हिमेश सर को इसमें लिया आपने एंड एक म्यूजिकल भी बोला जा रहा है इसको, कैसे क्यों कब कहाँ? सी जैसा अभी मावरन का ये लव स्टोरी है और हर लव स्टोरी के लिए जो म्यूजिक होता है वो उसका एक सोल होता है. यू नो, इफ द म्यूजिक इज नॉट राइट देन द बॉडी एंड सोल डोंट कम टुगेदर. यू नो, एंड वन इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर एंड फाइंडिंग द म्यूजिक फॉर द फिल्म. मैंने प्यार किया जैसे लव स्टोरी, उसका अपना म्यूज़िक था. कयामत से कयामत तक का अपना, और रिसेंटली आशिकी 2 उसका अपना म्यूज़िक था. तो वी वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द म्यूज़िक एंड वी वर डायरेक्टिंग द सॉन्ग्स फॉर प्रेम रतन धन पायो एंड ऑन द सेट्स वी वर विद सलमान भाई एंड देर वी मेट हिमेश जी एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड वी टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द फिल्म एंड ही सेड राधिका जी टेल्स इट बेटर. व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ हिमेश सर? Samir sir needs no introduction. He has written the most beautiful love songs from the Aashiqui original to Raaz and my favorite. All the films, all the love songs are by Samir sir. So we are honored and we were honored and lucky where all the songs were by Samir sir. Where and now here again. And Samir sir, love song likhte hue, मतलब ऐसा क्या हो? कहाँ inspiration कौन है सर? मतलब कौन दिखता है ऐसे आँख बंद किया एक सुंदर सा चेहरा आ गया? क्या होता क्या है? तुम्हारा इशारा किधर है पहले वो बता दो, फिर मैं सच्चाई बताऊं तुमको. सर मैं आपकी आंख बंद करके अंदर नहीं देख सकता, लेकिन मेरे को पता है कुछ तो है सर. मगर इस फिल्म में मत पूछो मुझसे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा विनय और राधिका के साथ बड़ा खूबसूरत रहा. और मैंने पहली फिल्म लकी, मैं लोगों को बहुत डेंजरस डायरेक्टर बोलता हूँ. जो तुम बहुत देर से कुरेद रहे थे, कोई बता नहीं रहा था कि ये लोग कितनी तकलीफ देते हैं अच्छा काम करवाने के लिए. ये दे आर द बिगेस्ट फैन ऑफ माइंड.
ये मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि सर हम तो आपका म्यूजिक सुन सुन के, आपके गाने सुन सुन के हमने अच्छा गाना सुनना और सेलेक्ट करना शुरू किया, मगर जब ये सिटिंग पे बैठते हैं तो भी भूल जाते हैं कि हम समीर साहब के साथ बैठे हैं, कि हिमेश रेशमिया के साथ बैठे हैं। अब आप लोग अपनी औकात पे आ जाओ, क्योंकि अभी आप राधिका और विनय सप्रू के साथ बैठे हैं। अब आप बताओ। That's my man, जोरदार तालियां समीर सर के लिए। That's my man। ये म्यूजिक बहुत आसान नहीं था, थैंक्स टू हिमेश, और हिमेश के साथ मेरी जर्नी तेरे नाम से शुरू हुई थी, और मेरे ख्याल से 99% फिल्में उन्होंने मेरे साथ ही की है। और इस फिल्म में भी जब मुझे बुलाया गया तो मुझे, जब उसने कहा कि, मैंने पूछा ये फिल्म डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा राधिका और विनय सप्रू, तो मैंने कहा मैं 3 दिन के बाद आता हूँ, आज मेरी आने की हिम्मत नहीं है। और वही हुआ, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम सिटिंग करते रहे, मगर थैंक्स टू देम बहुत अच्छा म्यूजिक। सेम एक्सपीरियंस मेरा अदनान के साथ भी रहा फिल्म लकी में, उस फिल्म में भी बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ था। और इन लोगों ने, राधिका और विनय की एक बड़ी खूबसूरत बात है, इन्होंने मेरे कुछ गाने, दबंग का गाना तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, वो गाना भी इन लोगों ने शूट किया था। तो ये लोग इतना, मुझे ऐसा लगता है जब इनके गाने में देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है किसी ने पेंटिंग की है, किसी ने शूट नहीं किया है, एंड दैट इज देयर फोटो, और दे आर द बेस्ट पीपल। मैं बोलता हूँ म्यूजिकल फिल्म के लिए इनसे बेहतर डायरेक्टर कोई नहीं है। थैंक यू वेरी वेरी मच विनय, राधिका, गॉड ब्लेस यू, माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर विथ यू, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वो अंदर की बात बताने के लिए स्पेशली। बाथ टब में कोई कितनी देर तक बैठ सकता है ठंडे में एकदम ऐसा? बाकी लोग को 2-2 शिफ्ट, हमारी हीरोइन को 1 शिफ्ट, 30 घंटे बैठा के रखा था ये दूध सी चमकार, इसीलिए आई है शायद यहाँ पे। मावरा प्लीज बताइए क्या हुआ था ये गाने में, 30 घंटे मैंने सुना बाथ टब के अंदर थी आप? एक्चुअली हम लोग ये केप टाउन में शूट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग -1 या 0 या 1 या 2 डिग्रीज तो होगा अराउंड दैट द टेम्परेचर वॉज। और हम लोग थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रेंड थे, हमें एक लोकेशन मिली थी जो या तो हम लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और जगह 2 दिन में शूट कर लेते, या हमारे डायरेक्टर्स ने हमसे पूछा कि लोकेशन एक ही दिन के लिए मिली है, राउंड द क्लॉक शूट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल सुइट था वो, इट इज़ ओनली फॉर टॉप नॉच पीपल, तो सिर्फ 6 से 10 की हमें शिफ्ट मिली थी अगले दिन 10 बजे की। लेकिन आवर डायरेक्टर्स आस्क्ड अस दैट यू नो वी हैव दीज 2 ऑप्शंस, डू यू गाइज वांट टू गो राउंड द क्लॉक, डू यू गाइज थिंक यू गाइज कैन डू दैट, और वी कैन ऑलवेज, बिकॉज दे ऑलवेज देयर टू टेल अस कि अच्छा कंफर्टेबल सोल्यूशन भी है। बट हम लोग जरा जिस बाती हो कि हमने कहा कि लेट्स डू दिस, और उसके बाद वी वर शूटिंग फॉर तेरा चेहरा एंड वी शॉट फॉर 30 आवर्स स्ट्रेट, एंड आई थिंक मी हर्ष द 2 डायरेक्टर्स आवर DOP वी वर द ओनली 5 पीपल हु कुड नॉट रेस्ट, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द टीम कुड जस्ट स्विच एंड स्वाप, बट हम 5 लोग जागते रहे। अगले दिन 30 घंटे के बाद हम zombies बन चुके थे, बट वी वेंट ऑन एंड दिस इज वॉट वी गॉट आउट ऑफ इट। बट 30 घंटे से भी ज़्यादा जो चैलेंजिंग बात थी वो ये थी कि आई थिंक आई वॉज इन वाटर फॉर अराउंड 20 आवर्स स्ट्रेट, सो या बाबा रे 20 घंटे पानी के अंदर, और वो भी काफ़ी पारिवारिक अंदाज में, सो दैट डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, सीरियसली। मतलब बाकी लोग के लिए भी एकदम होता कि पानी के अंदर, टब के अंदर, लेकिन नहीं भाई 20 घंटे मजाक नहीं है। अब मेरे को बोलो हर्ष, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर का ऑडिशन किसी गाने पे लिपसिंग करके हुआ है, इज दिस द सॉन्ग? मैं अरिजीत सर को इसका क्रेडिट दूंगा, एक्चुअली उनकी वजह से मुझे एक तरह से फिल्म मिली है, क्योंकि इसके ऑडिशन पे जब मैं पहुंचा तो मुझे मैम और सर ने कहा कि आप इस गाने पे लिपसिंग करिए, दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिकॉर्डेड। एंड थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा यहाँ, एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करना चाहिए और आपको इमोशंस लाने चाहिए, लेकिन जिस तरह अरिजीत जी ने गाया है गाना, मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, एंड इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू लिप सिंक ऑन हिज सॉन्ग्स, एंड बस मेरे लिए बहुत आसान हो गया वो, और मुझे फिल्म मिल गई, सो इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, अरिजीत सिंह को यहाँ पे क्रेडिट गया। आप दोनों ने एक चीज़ को बड़ा और फेमस कर दिया, बैक टू द बेसिक्स, यू नो कि फोटो कोई दूसरा ले रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि मेरी पिक्चर ले लें, बिकॉज सेल्फी सेल्फी अच्छी बात है वो भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सब लोग आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ऐसी एक गाना है तो अब उसकी बात करेंगे। हाँ प्लीज खींच मेरी फोटो, हाँ खींच मेरी फोटो ना, खींच फोटो ही खींचना है खाली। एंड अकासा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी गॉर्जियस एंड अमेजिंग आवाज वाली अकासा, आप दोनों प्लीज आइए ऊपर। नाउ दर्शन इज लाइक, एम आई लाइक सपोज टू परफॉर्म? यस ऑफ कोर्स, आ जाओ। और इन्होंने आज सुबह एक बम फोड़ा है, क्या एक बहुत बड़ा काम किया है, उसकी बात भी करने वाले हैं हम लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन यार, इतना कमाल का म्यूजिक दिया, उसके लिए तालियां हो जाए यहाँ पे। ये और ये वो गाना है जिसमें भाजी वगैरह, यू नो ऐसा भाजी मार्केट में, मुहावरा आप हैं
मतलब बहुत एक्सपेंसिव लोकेशन उसको बोलेंगे बिकॉज इस समय सबसे ज्यादा उसी का भाव हो गया है ना। तो भाजी मार्केट में जाके ऐसा कांदे और उस सब के साथ परफॉर्म करना कैसा रहा? एक्चुअली खींच मेरी फोटो इज वेरी 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 प्रेशियस टू मी बिकॉज द डे राधिका मैम एंड विनय सर नरेटेड खींच मेरी फोटो टू मी आई जस्ट सेड इट टू माय सेल्फ इन माय हार्ट के DDLJ का जरा सा झूम लूं मैं मिल गया है अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अमेजिंग। सो I thank them that they've given me such a big moment and if I have performed good enough I think we are ready to go down the history like DDLJ. बिल्कुल बिल्कुल I'm sure everybody is gonna love the song. टल्लियों की कैसी करती हैं हरकतें जब बता दो यार थोड़ा। सर जैसी लड़कियां करती हैं नॉर्मली। कैसे? जैसे मतलब they like to have fun but they I think विनय सर मुझे हमेशा बोलते हैं कि in my personal life also you know you should always take care of the girl even if she wants to have fun तो उन्हें करने दो लेकिन यू शुड बी देयर टेक केयर ऑफ देम। तो मैं एकदम ऐसे रहूं वहां पे है ना देखते रहना कोई ऐसे नहीं करना। अच्छा और ये टल्ली होगी कैसे होते हैं वो ऐसा रियल लाइफ में कभी एकदम सेट में शर्म तेरी कसम विनय डायरेक्टर व्हेनेवर हर्ष इज आंसरिंग समथिंग इज लाइक विनय सर मुझे ये करने को कहते हैं विनय सर सो ही सेव देयर विनय सर ने मुझे कहा सर आपने गाया गाना इन दोनों महारथियों के लिए है ना और आपने भी भाई साहब तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग एंड लेट्स हैव द सॉन्ग। द मेरी जो स्टोरी है उसमें ऐसा था कि आई वाज फ्रस्ट्रेटेड मुंबई के अंदर मुझे क्या करना है पता नहीं था तो मुझे याद है कि हिमेश सर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गवाऊंगा सो आई कॉल्ड हिम अप मैंने कहा सर मैं दर्शन बोले कौन दर्शन सर मैं दर्शन रोस्तार में था बोले कल 5 बजे रिकॉर्डिंग 9 सेकंड का कॉल फोन कट करके नेक्स्ट डे मैं स्टूडियो में गया कि एक गाना है सुपर हिट गाना है तुझे गाना है और मैंने गा लिया। अमेजिंग। एंड कासा के साथ क्या हुआ था? ऐसा ही कुछ हुआ था हिमेश जी भाई कट टू कट तो उन्होंने एक्चुअली हम दोनों को इंडियाज रोस्टार में देखा था एंड वहां पर कहा था कि मैं आपसे गाना गवाऊंगा एंड एवरीथिंग सो काफी लोग पूछते थे कि अरे शो के बाद की आपने बात की वगैरह एंड आई वाज लाइक नॉट रियली नॉट येट आई रिमेंबर जिस दिन किसी ने मुझे बोला था आप मैसेज करो सामने से एंड मैंने उन्हें जस्ट मैसेज किया हाय हिमेश जी हाउ आर यू सर कासा यार टुमारो 7:30 स्टूडियो एंड पहुंच के वहाँ पे आई डिडंट नो वी हैड टू डब मैं जस्ट ओके हेलो हिमेश जी बहुत टाइम के बाद इसे अच्छा कासा एक गाना है तो आपको डब करना है एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है सो दैट हाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस एंड एक और जो चीज़ है जो दर्शन भी बोलते हैं शुरू से ही उन्होंने हमें ऐसे बोला था कि एक सुपर हिट गाना है मतलब तुम्हें डब करना है पहले से ही सुपर हिट था ना हमने सुना था सो दैट्स द पॉजिटिव एनर्जी जो गाना बनाने में वो पहले ही डाल देते हैं तो मतलब इसलिए गाने उनके सुपर हिट हो जाते हैं पहले से पता था है ना और इतना प्यार इसीलिए मिल रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डायरेक्टर डुओ विनय जी एंड राधिका जी का यहाँ पे प्लीज कम ऑन जोरदार ताली बिग राउंड ऑफ अप्लॉज या साथ साथ प्रोड्यूसर साहब हमारे मुकुट साहब के लिए तालियां हो जाए दीपक मुकुट लेडीज एंड जेंटलमैन We have Palak Muchhal in the house. हाँ तो जोरदार तालियां पलक के लिए पलक कम एंड समीर सर आपसे भी गुजारिश करूंगा यहां पे आए आप और शब्बीर सर भी यहां पे हैं अभी हम जिस गाने की बात कर रहे थे अरिजीत सिंह ने उसको बहुत खूबी से गाया है तो शब्बीर सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए प्लीज सर आपकी फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं टाइटल भी अच्छा सब्जेक्ट भी अच्छा लेकिन लोग इस तरीके की फिल्म को वैलेंटाइन डे पे रिलीज करना चाहते हैं लेकिन आप एक हफ्ते पहले ही रिलीज कर रहे हो ऐसा क्यों? थोड़ा सा माहौल बन जाएगा और एक हफ्ते पहले इसलिए कि वैलेंटाइन पे बेसिकली दो पिक्चर और आ रही है फितूर और सनम रे सो हम चाहते थे कि सनम तेरी कसम सेम टाइटल है और सनम तेरी कसम का म्यूजिक बहुत अच्छा है एंड द पीपल शुड यू नो ग्रो विद इट एंड दैट इज व्हाई वी आर कमिंग फर्स्ट बिफोर 1 वीक एक और फिल्म रिलीज हो रही है सनी देओल साहब की जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं तो क्लैशन कैसे सोच रहे हैं डायरेक्टर साहब विनय
सनी सर का हमें क्लैश क्या है, वो तो 2.5 किलो का हाथ है, हम फिनिश ही हैं, बट उनकी ब्लेसिंग्स और उनके प्यार से आगे जाएंगे। जैसे आपने कहा, हमने इससे पहले भी उनके साथ पिक्चर किए, तो सनी सर की ऑलवेज ब्लेसिंग्स देयर, सो उनसे कोई क्लैश तो कर ही नहीं सकता, यू नो। और फिल्म की अभिनेत्री के लिए आपको सरहद पार क्यों जाना पड़ा? यू नो, राधिका जी इज एन आर्मी मैन्स डॉटर, यू नो, एंड हर फादर यूज्ड टू से ओनली 3 things टू अस, यू नो, व्हेन वी यूज्ड टू, या माय डैड, आई एम एन आर्मी गर्ल, आई एम अ तेलुगु ब्राह्मण, बट आई स्पीक हिंदी एंड आई अंडरस्टैंड इट परफेक्टली, दैट्स माय आर्मी बैकग्राउंड, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन द आर्मी, एंड बट आई कुडंट पास माय फिजिकल फिटनेस, एंड व्हेन आई सेड आई वांट टू स्टार्ट अ सिविलियन लाइफ, माय डैड ओनली टोल्ड मी वन थिंग, that 3 things he told me, saying you're starting a civilian life, Bhagavad Gita ko follow karo, apni duty apne pure man ke saath karo, to humne ye picture apne pure man ke saath ki aur aise cast ke saath ki jo hume lagta hai ki bilkul suitable hai role ke liye. Dusra unhone kaha, always work with the best man on the job or the best woman. I think Mavra Hoken has gone out, but she was the best woman for the job and nobody else could have done the job better than her. So that's my golden girl, and that is the Saru in the film, and that's why we took her. And the third he told me is, जो भी करो, legal करो. 1 बजे रात के भी अगर आपकी signal red पे है, तो आप please कभी भी road तोड़ के आप signal cross नहीं करेंगे. तो जो भी करेंगी, work with the laws of the nation. If the nation permits you to work with somebody or do something, you must do it and do it with your head held high. And that's why I'm working with Mavra Hoken, because the nation permits me to work with her. So I'm very proud to be with this girl. She's done a wonderful, wonderful job. She is the girl that we wrote about. She's come to life, and she's brought the role to life, and she will blow your mind, and we are very, very proud of her. India aane se pehle aapka kya perception tha India ko lekar, aur aane ke baad kya badlav hua? इंडिया के आने के पहले रणबीर कपूर, आने के बाद भी रणबीर कपूर, सो इनका परसेप्शन अभी भी पाली हिल पे ही है, सब वही टिका हुआ है और सब यही परसेप्शन है इनका, तो ये इनका इंडिया का परसेप्शन मत ब्रेक करिए, रणबीर कपूर पे ही टिका हुआ है अभी तक। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डायरेक्टर के साथ डिसएग्री नहीं कर सकती नहीं, लेकिन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, I have grown up watching Bollywood. I think half of this world has grown up watching Bollywood, and I'm one of them. And I adore Bollywood. I love the people who work this hard to give us such visual delights, such wonderful stories. And after I reached here, it was no different. I have received boundless love from these two directors, from my co-actor, from my whole team. From everyone that I've come across, even the people who recognize me on the roads, to the people who are working with me, from my spot boy to my producer, to like on every level, I have received all the possible love that exists in this universe. So I think I'm very, very blessed, very lucky, very loved in India, and I'm very, very proud that I've done this work for Bollywood. For Ram Leela first. So do you think that would have been a better launch for you? इनसे बढ़िया लॉन्च कोई नहीं कर सकता इंडस्ट्री में आपका, इट्स ए गिवन, बिकॉज मेरे जैसे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, जो किसी के बच्चे नहीं होते हैं, वो सिर्फ सपने लेते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, कभी कभी दोस्त हंसते हैं, कभी कभी दोस्त सपोर्ट करते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो आपको बोलने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं होता है यूजली, और यू हैव टू बी समबडीज, तो उनको आप एक्नॉलेज नहीं करते। बट वाइल आई वॉज ड्रीमिंग, आई वॉज ग्रोइंग अप, अब ये वर्ड पता नहीं मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, दैट आई वॉज ग्रोइंग अप ऑन देयर सॉन्ग्स, द वंस दैट दे वर डायरेक्टिंग, और आउट ऑफ 10 फेमस म्यूजिक वीडियोस, 8 इनके होते थे, और मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जो मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी आज तक, उसको एक कैसेट दी थी, जब सामने तुम आ जाते हो, दैट सॉन्ग जगजीत सिंह जी का, एंड शी यूज टू लव दैट सॉन्ग, और मैंने उसको कैसेट बड़ी मुश्किल से उसको दी थी आज से पता नहीं कितने साल पहले, एंड आज मुझे पता चलता है कि इट्स बीन डायरेक्टेड बाय देम, सो इट्स अ फुल सर्कल फॉर मी, एंड आई थिंक इससे बढ़िया लॉन्च शायद, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ इसलिए शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऑल्सो संजय लीला बंसाली इज मेकिंग अनदर फिल्म व्हिच इज ऑल्सो रोमांटिक, हैज ही अप्रोच्ड यू?
और डू यू हैव इंटरेस्ट टू वर्क विद मी? आपका नाम क्या है? आप बहुत बड़े डॉन हो, आपको पता है? अभी मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट। सबसे पहले बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों उसमें। और जिस प्रकार से एक नई फिल्म थी, इतने हिमेश रेशमिया म्यूजिक डायरेक्टर थे और अंकित तिवारी ने पहले गाना गाया था, तो कहीं ना कहीं एक जवाबदारी बढ़ गई थी आप लोगों दोनों के कंधों पर। और कहते हैं जब जवाबदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है, तो ये फिल्म करते हुए आपको बचपन याद आया? सर बचपन पता नहीं, पर नानी नानी याद आ गई क्योंकि हमारे लिए टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सम एक्सपर्ट्स ये बहुत बड़ी बात थी। और मुझे एक चीज़ पक्का ये पता था कि कुछ हो ना हो मैं परफॉर्म कभी कभी किसी किसी दिन अगर नहीं भी कर पाऊँ तो मुझे ये लोग प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह करेंगे। और इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जैसा मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मन में इन्होंने मुझे अपना बेटा माना होगा, तभी ये लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच। मामरा जब पर्दे पे आप एक्टिंग कर रही थी तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे तो सभी की आंखें थम गई थी। वाह। और आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपका। ये कैसे आप कर लेती हैं ये चीज? मैंने नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऑब्वियसली फॉरमोस्टली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर्स। वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसा इंस्पायर करते हैं कि शायद वो किसी से भी ये करवा सकते हैं, किसी से भी। बट बहुत ज़्यादा जुनून है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो आई थिंक इट्स द हार्डवर्क, देन इट्स द डायरेक्टर्स एंड ऑफकोर्स सबका हार्डवर्क मिल के। लेकिन माई डायरेक्टर्स हैव बिन माई गाइडिंग लाइट फ्रॉम एवरी एक्सप्रेशन टू एवरी ब्लिंक to every tear, to every smile, they have guided me through and through and through. So they've stood by me like two strong pillars. मुझे आगे की जर्नी से थोड़ा सा डर लगता है कि कोई ऐसे खड़े रहेगा मेरे साथ कि नहीं, लेकिन विनय और राधिका have just stood there, just by me, कि हर सीन के लिए, हर शॉट के लिए। So whatever you get to see in the cinemas is them. My character is a beautiful reflection of Radhika ma'am. सरू इज एब्सोल्युटली राधिका मैम। सो जितनी भी खूबसूरती, जितनी भी डेप्थ, जितनी भी सेंसिटिविटी आपको दिखे कैरेक्टर में, यू शुड जस्ट नो दैट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ राधिका राव। देयर आर रूमर्स दैट यू आर हैविंग अफेयर विद ज्वाला गुट्टा, इज इट ट्रू? मैं बैडमिंटन खेलता हूं, बस यही कॉमन है हम दोनों के बीच में। और प्लीज टेल समथिंग लाइक, इज इट ट्रू? व्हाट डू यू वांट मी टू से? आप ही बताओ। मैं आई हैव बीन सिंगल फॉर लास्ट 8 इयर्स और मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, तो बाय चांस कभी कभी किसी के साथ चला गया हूँ तो उनके साथ चला गया हूँ, तो लोगों को लगा कि शायद हम लोग एक। और आपसे सवाल है, रणबीर कपूर का जिक्र हुआ था अभी कुछ देर पहले, तो इफ़ गिवन अ चांस टू काम करना कुछ पसंद करेंगे उनके साथ, या ऐसे कोई प्लान्स हैं आगे फ्यूचर? बुखार हो जाएगा say anymore. Of course I'd love to. Shut up. I'd love to. It'd be a pleasure. Thank you so much ladies and gentlemen.